कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आज हम लोग देने जा रहे हैं। देखिए, आपका कल की डेट में कला का पेपर है, हो सकता है कला में बहुत सारी चीज़ें आपको बनती हों, लेकिन आज की डेट में जो 20 नंबर आपको वैकल्पिक रूप से दिए जा रहे हैं वह आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकते हैं यदि आपको माइनर चीज़ें नहीं मालूम हैं। तो हम लोग देखेंगे, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है आपको आती हों, लेकिन फिर भी आपको देखने में कुछ चीज़ें आपको बेहतर रहेंगी। देखिए, आलेखन की परिभाषा, परिभाषा से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं आपकी। तो आलेखन किसे कहते हैं? तो आलेखन का अर्थ, आलेखन सभी जानते हैं, लेकिन यदि आलेखन का अर्थ पूछेंगे तो हो सकता है किसी से ना बने। तो हम कह सकते हैं, सरल वक्र एवं वृत्ताकार रेखाओं द्वारा परिकल्पना की अभिव्यक्ति से फूल पत्ती कलियों आदि को लय प्रदान करते हुए बनी आकृति क्या कहलाती है? आलेखन कहलाती है। तो इसकी एक समरी आप समझ सकते हैं कि आलेखन का अर्थ है किसी भी प्रकार की एक ऐसी रचना करो जिसमें फूल भी हो, पत्ती भी हो और उसमें कलर भी किया गया हो। अगर इस तरह की आप कोई रचना करते हैं तो वह रचना क्या कहलाती है? आलेखन कहलाती है। आलेखन के लिए एक बात और भी बोली गई है कि आलेखन एक प्रकार का अलंकार है और अलंकार का अर्थ होता है गहना। जिस प्रकार स्त्री को आभूषण, वस्त्र इत्यादि से सुसज्जित करके उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार किसी वस्तु के धरातल, दीवार, फर्श इत्यादि को कलात्मक ढंग से विधिपूर्वक यदि सजा दिया जाए तो यही चीज़ क्या कहलाती है? आलेखन कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हो सकता है आलेखन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आ जाए कि आलेखन का अर्थ क्या होता है और इसमें वैकल्प में कई सारी चीज़ें दी गई हों तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम। आलेखन का महत्व समझिएगा। फर्श को सजाने, इमारतों को सजाने के लिए, दीवारों को सजाने के लिए, तकिया, बेड कवर, घरेलू वस्तु सजाने में आलेखन का अधिक महत्व है। इस प्रकार आलेखन का उपयोग ज्ञान के हर क्षेत्र में किया जाता है, यांत्रिकी में, चिकित्सा में, वाणिज्य में, लोक कला में, इन सभी में आलेखन का महत्व है। भवन की सजावट, फर्नीचर, बर्तनों की सजावट, वस्त्रों की सजावट, जीवन के हर क्षेत्र में आलेखन उपयोगी है। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, आलेखन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, और बहुत सारे सेक्टर का नाम दे सकता है। तो उसमें आप बोल सकते हो कि आलेखन हमारे जीवन के हर कोने में, मतलब हर जगह ये आपका उपयोगी है। इसके बाद में इसमें कुछ बात कही गई है, आलेखन के भेद देखिए कितने प्रकार के होते हैं। आलेखन के चार प्रकार के भेद है, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। चारों प्रकार के भेद देखिए आपको मालूम हो जाने चाहिए। एक होता है प्राकृतिक आलेखन, एक होता है अलंकारिक आलेखन, एक ज्यामिति आलेखन और एक सूक्ष्म आलेखन। प्राकृतिक आलेखन किसे कहते हैं? आप देखते होंगे इस तरह के चित्र आपको बनवाए जाते हैं, यह होते हैं प्राकृतिक आलेखन। प्राकृतिक आलेखन में हम लोग फूल होता है, पत्ती होता है, कली होते हैं, ठीक है, और किसी भी बैकग्राउंड के अंतर्गत हम लोग एक अच्छे रंगों द्वारा भरकर तैयार करते हैं, यह कहलाता है प्राकृतिक आलेखन। ठीक है, इसके बाद है अलंकारिक आलेखन। ठीक है, अलंकारिक में क्या होता है? वस्तु के प्राकृतिक रूप को अधिक आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए कुछ परिवर्तन किया जाता है। देखिए, इसमें सिर्फ पत्ती दिख रही हैं और फूल दिख रहा है और कली दिख रही हैं, लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो कुछ परिवर्तन कर दिया गया है सजाने को लेकर। क्या परिवर्तन है मैं दिखा रहा हूँ आपको, कि देखिए इसमें ये दिया गया है, ये देखिए ये दिया गया है, कुछ इस तरह के बना दिए गए हैं, ये बना दिए गए हैं जो पत्तियों से अलग हैं, मतलब कमल में इस तरह की पत्तियाँ नहीं होती हैं लेकिन फिर भी इसमें बनाई गई हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं आप कि जो हम लोग सजाने के लिए इसको जिस प्रकार उपयोग में लाते हैं उसे हम कहते हैं प्राकृतिक आलेखन। और आगे देखते हैं, अगला है ज्यामिति आलेखन, इसको देखिएगा। कहता है जिन आलेखन में वर्ग, वृत्त, आयत, अर्धवृत्त, चाप। अब जैसे प्रश्न ही आ गया कि ज्यामिति आलेखन में किस प्रकार रचना करते हैं, वर्ग में, वृत्त में, आयत, अर्धवृत्त,
चाप चतुर्भुज, तो इसमें आप सीख सकते हैं कि जिन आलेखन में ज्यामिति आकृति जैसे वर्ग, वृत्त, आयत, अर्धवृत्त, चाप, चतुर्भुज, त्रिभुज, सरल रेखाएं तथा वक्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है, ऐसे आलेखन को हम लोग ज्यामिति आलेखन कहलाते हैं। इनकी रचना ज्यामिति यंत्रों द्वारा कलात्मक ढंग से सौंदर्य और आकर्षण बनाने के लिए की जाती है। अब ये सूक्ष्म आलेखन है। सूक्ष्म आलेखन में इस प्रकार के आलेखन होते हैं जिसमें ज्यामिति, प्राकृतिक, आलंकारिक आलेखन की एक विशेष आकृति नहीं होती बल्कि कलाकार की कल्पना की अभिव्यक्ति होती है। मतलब इसमें कोई भी आकृति नहीं होती जो पहले से उपलब्ध हो, इसमें कलाकार जो सोचता है उस प्रकार की किसी भी रचना को तैयार करता है, यह कहलाता है सूक्ष्म आलेखन। आलेखन के भाग क्या क्या हैं जिनको हमें ध्यान देना पड़ता है? आलेखन के कुछ भाग हैं जिसमें से एक है किनारी का आलेखन, धरातल, कोने का आलेखन और केंद्र का आलेखन। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। किनारी का आलेखन देख लो, जिसे आप लोग साड़ी की किनारी बोलते हैं, कई लोग साड़ी की किनारी बोलते हैं, इसे हम लोग किनारी का आलेखन भी कहते हैं। तो किसी समतल क्षेत्र के किनारों को सजाने के लिए आलेखन जो बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? किनारी के आलेखन कहलाते हैं। इन आलेखन में किसी दूरी पर दो समांतर रेखाएं होती हैं और इन समांतर रेखाओं के बीच में एक रचना तैयार की जाती है, इसे कहते हैं किनारी का आलेखन। इसके बाद में धरातल का आलेखन, ये आपका इसमें कुछ बड़े छाप होते हैं। जब किसी संपूर्ण धरातल को सजाने के लिए जो आलेखन तैयार होता है ऐसा कहलाता है धरातल का आलेखन। कोने का आलेखन ये देख लीजिए, इन आलेखन को किसी भी वस्तु के कोने को सजाने के लिए किया जाता है। ये आलेखन त्रिभुज या त्रिज्यखंड में बनाए जाते हैं, इनमें एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। ये आलेखन चादर के कोने, फर्श के कोने, मेजपोश के कोने और पर्दे के कोने को सजाने के लिए किया जाता है। देख लीजिए ये इसका इस तरह का अगर प्रश्न आता है कोने के आलेखन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगला है केंद्र का आलेखन, मतलब यह आलेखन किसी भी जगह किसी भी स्पेसिफिक केंद्र को सजाने के लिए किया जाता है। तो जिन आलेखन के माध्यम से किसी धरातल के केंद्र को सजाया जाए ऐसे आलेखन को केंद्र का आलेखन कहते हैं। इन आलेखन का प्रयोग छतों या फर्श के केंद्र को सजाने में किया जाता है। केंद्रीय आलेखन वृत्त तथा वर्ग मानी जाती है, इनमें इकाइयों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब एक ही चीज़ को आप कई बार दर्शा सकते हैं। आलेखन के सिद्धांत देख लीजिए कितने हैं। आलेखन के चार सिद्धांत हैं, लयात्मक या प्रवाह, संतुलन, अनुपात और रंग योजना। इस प्रकार चार सिद्धांत हैं, ध्यान दीजिएगा आप इसको। लयात्मक का मतलब क्या होता है कि आलेखन के लिए वे आकृतियाँ अधिक उपयोगी होती है जिनकी रेखाएं लहरदार हों। ध्यान दीजिएगा आलेखन में उन्हीं आकृतियों को बनाया जाता है जिनमें रेखाएँ लहरदार हों, जैसे गेंदा का फूल ठोस होता है, इसकी पंखुड़ियों में लय नहीं होती। इस प्रकार गेंदा का फूल बहुत कम देखा होगा आपने। इसी प्रकार गुलाब के पुष्प में गुड़हल में अधिक लय होती है। सबसे अधिक लयात्मक जो होता है वो कमल होता है, इसलिए आलेखन में सबसे अधिक कमल के पुष्प का प्रयोग करते हैं। भाई प्रश्न बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कमल के पुष्प का प्रयोग क्यों करते हैं, तो सबसे अधिक लयात्मकता कमल में ही पाई जाती है इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। संतुलन है, संतुलन का अर्थ होता है कि हर आकृति को आलेखन में इस प्रकार सजा कर रखा जाए कि आलेखन में संतुलन आ जाए और आलेखन देखने में बेडौल ना लगे। इस दिशा में बढ़ती हुई रेखा को दूसरी दिशा की ओर घूमती हुई रेखा से संतुलित किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार अनुपात है और रंग योजना है। तो रंग योजना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आलेखन में रंग संयोजन का विशेष महत्व है। आलेखन में रंग भरते समय रंग संयोजन का ध्यान रखते हैं, किस रंग को किसमें और कितना मिलाया जाए ताकि वह अच्छा और आकर्षक लगे। रंग को किस प्रकार निश्चित किया जाए ताकि आलेखन सुंदर दिखाई दे, आकर्षक लगे, ये सब क्या कहलाती है? रंग योजना कहलाती है। आलेखन के कुछ मुख्य भाग हैं, रेखा, आकार और रंग, ये आप जानते हैं। रेखा किसे कहते हैं? रेखा एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा आलेखन की रचना की जाती है। आलेखन में रेखाओं का महत्व होता है क्योंकि रेखाएँ ही विभिन्न प्रकार से एक दूसरे के साथ संबंध प्रदर्शित करती हैं। रेखाओं का पूरे आलेखन के साथ साथ निश्चित संबंध होता है। आकार का मतलब क्या है? आपको पता है आलेखन आप वर्ग में भी बनाते हैं, आलेखन को आप वृत्त में भी बनाते हैं, आयत में भी बनाते हैं, त्रिभुज में बनाते हैं, तो यह आकार कहलाता है। रंग का मतलब क्या है कि रंग कैसे होने चाहिए। व्यक्ति किसी भी प्रकार के रंग को कहीं भी भर देता है ऐसा नहीं होता है।
रंग आलेखन का महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसके द्वारा इसमें सुंदरता आती है, आकर्षक आता है और चमक भी आती है। तो चित्रकार आलेखन में विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करता है। अब रंगों का ज्ञान ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मूल रंग कौन कौन से होते हैं? मूल रंग होते हैं लाल, पीला और नीला, यह है आपके मूल रंग होते हैं, ठीक है। इसके बाद नीले और पीले, नीला और पीला अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा एक नया रंग तैयार हो जाता है, कौन सा? हरा। नीला और पीला इन दो रंगों को मिलाने पर हमारा हरा रंग तैयार हो जाता है। इस प्रकार मुख्य रंग में कितने आ गए? चार रंग हो जाते हैं, लाल, पीला, हरा और नीला, ठीक है। ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि मूल रंग कितने होते हैं? तीन, और मुख्य रंग की श्रेणी में कितने हो जाते हैं? चार, हरा इसमें इंक्लूड हो जाता है। ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, ओस्टवाल्ड कलर किसे कहते हैं? एक जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड द्वारा आपसी रंगों में सहयोग से नई प्रणाली बनी, ठीक है, जिन्हें हम ओस्टवाल्ड के नाम से जानते हैं। जैसे आपको पता होगा कि लाल और पीला मिला दीजिए तो बन जाता है नारंगी, पीला हरा मिला दीजिए तो धानी रंग बन जाता है, हरा और नीला मिलाइए तो आसमानी, नीला लाल मिलाइए तो बैंगनी, इस तरह से ये रंग प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ओस्टवाल्ड रंग कौन कौन से होते हैं दिए गए हैं आपके? धानी, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी, लाल, नारंगी और पीला, ये सब आपके ओस्टवाल्ड रंग कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ओस्टवाल्ड कलर पूछ सकता है कौन कौन से होते हैं, आपका विकल्प में आ सकता है। इसके बाद गर्म रंग पूछ सकता है आपसे, गर्म रंग किसे कहते हैं? तो ऐसे रंग जिनमें लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है, मतलब जो आँखों को खटकते हैं, ऐसे रंग जो आँखों को चुभें वो रंग गर्म रंग कहलाते हैं। गर्म रंग में कौन कौन से हैं? लाल, नारंगी, पीला, बैंगनी, ये रंग आपके लाल रंग होते हैं। ठंडे रंग कौन से होते हैं? ठंडे रंग का मतलब है कि ऐसे रंग जो हमारी आँखों को शीतलता प्रदान करें, ठंडे रंग कहलाते हैं। इसमें नीला, हरा, धानी, आसमानी ये रंग है। तटस्थ रंग क्या है? तटस्थ के अंतर्गत में सफ़ेद और काले होते हैं। इन रंगों को अन्य रंगों के साथ मिलाकर हम बहुत सारे रंग तैयार कर सकते हैं। सहयोगी रंग क्या है? पास पास के रंगों को सहयोगी रंग कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आपका और ख़ास चीज़ क्या है इसमें? आलेखन बनाते समय हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना पड़ता है। आलेखन बनाने से पूर्व बैठने के स्थान और आलेखन सामग्री को देख लेना चाहिए, साफ़ सुथरा है कि नहीं है। आलेखन बनाने से पहले साफ कपड़ा अपने पास रखें ताकि समय समय पर चित्र की गंदगी को साफ़ किया जा सके। आलेखन बनाते समय हमें HB पेंसिल और ट्रेसिंग करने के लिए 2B पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। पेंसिल की नोक महीन होनी चाहिए, यदि नहीं हो तो 0 नंबर के रेक मार्क से पेंसिल की नोक महीन कर सकते हैं। आलेखन बनाने में पेंसिल को हल्का चलाते हैं तथा मुलायम रबर का प्रयोग करके सफाई करते हैं। ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये कुछ आलेखन हैं जो सरल हैं, आसानी से आप बना सकते हैं, इसको सीख लीजिएगा। इसके बाद कुछ प्रश्न आते हैं जो पूछे जा सकते हैं, हम उनको देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न इसमें कि देश में प्रकृति चित्रण का सजीव रूप कहाँ के कलाकारों की साधना का प्रति कला के रूप में देन है। देश में जो प्रकृति चित्रण का सजीव रूप है कहाँ के कलाकारों के द्वारा है, तो ये आपका बंगाल आप लिख सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न है इसी में, ये कला से ही जुड़े हुए प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति चित्रण की महत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? प्रकृति चित्रण के लिए देखिए सभी योगदान दिए हैं, अविन्द्रनाथ ठाकुर भी हैं, नंदलाल बोस भी हैं, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, ये सभी लोगों ने योगदान दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका तीसरा, प्राकृतिक दृश्य चित्रण को आधुनिक, सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? पाश्चात्य कला का बहुत बड़ा योगदान था। अगला है वातावरणीय परिक्षेप के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुओं का रंग कैसा होना चाहिए? तो निकट की वस्तुओं का रंग आपका चटक होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में दूर की वस्तुओं को किस प्रकार के रंगों से रंगा जाता है? प्राकृतिक दृश्य चित्रण के लिए दूर की वस्तुओं को धुंधले रंग से और अस्पष्ट रंग से रंगा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको प्राकृतिक दृश्य भी दिखाना है और ये भी दिखाना कि ये वस्तु हमसे दूर रखी है, तो उसको आप धुंधला भी रंगोगे और अस्पष्ट भी रंगोगे, तभी वो क्लियर होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में मुख्य रूप से किसे शामिल किया जाता है? तो प्राकृतिक दृश्य में आपको पहाड़ भी दिखाने पड़ते हैं,
मैदान भी दिखाना पड़ता है, नदी भी दिखाना पड़ता है, आकाश भी दिखाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग किस प्रकार के होते हैं? तो जल रंग हल्का होता है, पतला होता है। हल्का मतलब कलर भी हल्का हो, और पतला का मतलब उसमें पानी की मात्रा अधिक होगी तभी वो जल रंग दिखाई देगा। अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक चित्रण में आकाश के ऊपरी भाग को किस रंग से प्रदर्शित करते हैं? तो प्राकृतिक चित्रण में आकाश के ऊपरी भाग को नीले रंग से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। नवा प्रश्न है आपका, आकाश में बादलों का प्रभाव दिखाने के लिए कुछ भागों को किस रंग से रंगा जाता है? तो बादलों का प्रभाव दिखाने के लिए कुछ जगह हम लोग सफ़ेद रंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य चित्रण में क्षितिज के पास मैदानी भागों को दिखाने के लिए लेमन येलो कलर का प्रयोग होता है। दृश्य चित्रण में क्षितिज के पास के मैदानों को दिखाने के लिए लेमन येलो कलर का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, मैदानों के चित्रण में इसके किनारों पर किसके मिश्रण का प्रयोग होता है? बेरेडीन ग्रीन भी है, वर्ड साइना भी है, क्रिम्सन भी है, ये सभी हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपका देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अटपटे से नाम दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, मैदानों के रास्ते और पगडंडियों को समानता किस रंग से दर्शाना चाहिए? तो मैदान के जो रास्ते हैं और पगडंडी हैं, मतलब व्यक्ति किसी भी रंग से दर्शा देता है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको ध्यान देना है कि चित्र में सजीवता तभी आएगी जब आप उचित रंग का प्रयोग करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख बोल रहा है कि मैदान के जो रास्ते और पगडंडी हैं उनको किस रंग से, उनको नारंगी रंग से ही आपको दिखाना है। इन प्रश्नों से आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हम किस चीज़ को किस रंग से भरें। बहुविकल्प इतने महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए दिया गया कि झोपड़ियों के चित्रण में छप्पर किस रंग का दिखाना चाहिए? बताइए, इतनी माइनर चीज़ें आपको दे रहा है कि हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन में हो कि छप्पर हम कहाँ से और किस रंग का करें। तो आप कोई काला कर देता है, कोई कत्थई कर देता है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कोई कलर नहीं, आपको पीले कलर का करना है। आपको चित्रण में प्रायः मकान के दरवाजे और जंगलों को किस रंग के से घोलना जाना चाहिए? एक वर्ड साइना और अल्टा मेराइन, इन रंग से दिखाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, पानी वाले क्षेत्र से दूर वाले भाग को दिखाने के लिए किस रंग किसका प्रयोग करते हैं? सफ़ेद रंग का प्रयोग करते हैं। अगला, पहाड़ियों को किस रंग से चित्रित किया जाता है? तो पहाड़ियों को दिखाने के लिए हम लोग बैंगनी रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कुछ प्रश्न है इसमें महत्वपूर्ण आपके। 17वां प्रश्न है, अल्टा मेराइन और वेरिडियन ग्रीन से समानता पहाड़ियों की किस स्थिति को दिखाया जाता है? इसके द्वारा पहाड़ों की निकटता को दिखाया जाता है। पेड़ों के चित्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पेड़ों के चित्रण के संबंध में निकट के पेड़ों को लाल रंग से दिखाया जाना चाहिए। ऊषा काल का आकाश सामान्यतः किस रंग से चित्रित किया जाता है? ऊषा काल का आकाश हल्के नीले से भी दिखा सकते हैं, पीले से भी दिखा सकते हैं, नारंगी से भी दिखा सकते हैं, ये सारे रंग ऊषा काल के लिए उपयुक्त हैं। अगला है, आकाश की बहुलता दिखाने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं? तो आकाश में प्रकाश की बहुलता के लिए हम लोग हल्के रंगों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, संध्या काल में आकाश के रंग अधिक चटकेले होते हैं, तो ये किस रंग का आभास होता है? पीला, लाल, नारंगी, इन सभी रंगों का आभास हमें होता है। ये प्रश्न देखते जाइएगा, ईश्वर चाहेगा तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और कला का पेपर आप बहुत बेहतर करके आने वाले हैं। अगला प्रश्न इसमें देखिए, शरद ऋतु की रात का चित्रण करने में किसका प्रयोग करते हैं? शरद ऋतु की रात का चित्रण करने में हम लोग बैंगनी रंग का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में निम्न में से कौन सी सावधानी को ध्यान में रखना चाहिए? प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में निम्न में से कौन सी सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए? इसमें लकड़ी के दर्शाने में सपाट ब्रश का प्रयोग होना चाहिए, रंगों के चुनाव में शीघ्रता नहीं करनी है आपको, हल्के से गहरे रंग की ओर बढ़ना है, तो ये सभी सावधानियाँ आपको रखनी है। और अगला प्रश्न 24वां नंबर है, दृश्य चित्रण में गहराई को दर्शाने में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग काले रंग का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में हल्के एवं गहरे शेड में किस प्रकार के रंगों का विशेष महत्व है? सफ़ेद और काले रंग के रंगों का महत्व बहुत अधिक है। ठीक है, कुछ प्रश्न आपके और भी हैं,
जो निकाले गए हैं आपके, देखिए बहुत सारे, तो ये प्रश्नों को हम एक अलग वीडियो में आपको देते हैं। ये प्रश्न आपके 25 कंप्लीट हो गए, फटाफट आप अगला वीडियो देखिए इसके बाद में, तो हम इसके बाद के बहुत सारे प्रश्नों को आपको और देने जा रहे हैं। और ईश्वर चाहेगा, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ 100%, लेकिन ईश्वर चाहेगा तो बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे मिलेंगे जो आपके बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाने हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।